तो आज की हमारी एक ऑनलाइन क्लास में हम एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग में बात कर रहे हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक के बारे में, कुछ छोटे मोटे टॉपिक, क्योंकि हमने अभी जस्ट पिवट टेबल को खत्म किया है और हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होने वाला है। तो पिवट टेबल से फॉर्मूला के बीच में कुछ छोटे छोटे टॉपिक रह जाते हैं, उन छोटे छोटे टॉपिक को आज हम बात करेंगे हमारी इस क्लास में। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। तो इंसर्ट मेनू बार में बात करते हैं। हमने इंसर्ट मेनू बार में पिवट टेबल कर लिया, रिकमेंड पिवट टेबल कर लिया। टेबल के बारे में आई थिंक आपको नहीं बताया था, फिर भी एक बार बता देता हूं कि टेबल होता क्या है। डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। अब टेबल फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके कुछ रीजन है। चलिए उन रीजन के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हमने कुछ सिंपल डेटा बनाया हुआ है। अब इस डेटा को एक सबसे पहला बात होता है कि इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है, मतलब कि थोड़ा सा मुझे इसको अच्छा फॉर्मेट देना है। तो जनरली फॉर्मेटिंग देने के लिए हम यहाँ फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर, बोल्ड, इटैलिक वगैरह करते हैं। तो यहाँ जो मैं बताया था फॉर्मेट एज टेबल और इंसर्ट में जो टेबल है, दोनों एक ही जैसा है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक जैसा नहीं। समझ गया? तो यहाँ पे टेबल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होता है, उन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल्टर लग जाता है, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारा जो हेडिंग है वो एबीसीडी की जगह पे आ जाता है। उसके बाद फिल्टर बटन हटा सकते हैं, ला सकते हैं। यहाँ पे हीडर रो दिख रहा होगा, हीडर ला सकते हैं, टोटल रो नीचे ला सकते हैं, हटा सकते हैं। टोटल लाने के बाद अपने हिसाब से इसके सब टोटल लग जाता है, यहाँ पे आप जो मर्जी करना चाहे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब टोटल का फॉर्मूला लग गया है, उसके बाद जिस तरह से फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा, उसके बाद बैंड कॉलम, मतलब एक कॉलम बोल्ड कलर होगा दूसरा कॉलम कलर नहीं होगा, ऐसी बैंड रो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट शेयर पॉइंट में इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शेयर पॉइंट में एक्सपोर्ट करने के लिए हमें टेबल में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर आपका डेटा जो पावर पिवट पे गया था या पावर क्वेरी पे गया था, जब ये पावर क्वेरी पे डेटा जाता जाता है तो टेबल फॉर्मेट में ही जाता था। इसके पास रीजन ही है कि सिस्टम ने इसको टेबल वन के नाम से डालते हैं, पर जनरली क्या होता था सीट वन ए वन से लेके G24 ऐसे जानते हैं, बट पिवट टेबल में इसमें टेबल में एक फॉर्म में जाते हैं। इसमें स्लाइसर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्लाइसर भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपने पिवट में लगाया था, और स्लाइसर भी यहाँ यूज हो सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि टेबल फॉर्मेट के लिए नॉर्मल में चाहिए, यहाँ कन्वर्ट टू रेंज कर दीजिए, नॉर्मल कन्वर्ट हो जाएगा रेंज। तो टेबल समझ में आएगी आप लोगों को। टेबल के बाद आता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन मतलब कि पिक्चर्स बाकी ग्राफिक्स से। तो यहाँ पे पिक्चर्स हो गया कि आप डिवाइस से सिस्टम में जो पिक्चर है उस पिक्चर को इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने इसको इंपोर्ट किया। इसको रिसाइज करना है तो यहाँ से पकड़ के इसको रिसाइज कर सकते हैं, रिसाइज हो गए इस तरह से रिसाइज किया जा सकता है। पिक्चर के ऊपर करेक्शन मतलब कि उसकी सॉफ्टनेस साफनेस या फिर उसकी ब्राइटनेस कॉन्टेक्स्ट को कम और ज्यादा किया जा सकता है। उसके अलावा कलर यहाँ से कोई वन कलर में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे मैं यहाँ पे इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूँ इस तरह से। उसके बाद इसका आर्टिफिशियल कलर भी किया जा सकता है, जैसे नेगेटिव में करना हो इस तरह से, तो इस तरह से भी किया जा सकता है। उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है कि पीछे का एरिया कितना परसेंट दिखे। उसके बाद इसको कंप्रेस कर सकते हैं, पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे पिक्चर हमारा रीसेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड जैसे पिक्चर के पीछे कुछ बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं, मार्क करके रिमूव कर सकते हैं कि ये एरिया हमारा रहे
और बाकी एरिया हमारा रिमूव हो जाए। इस तरह से हम इसको अब इतना एरिया रहेगा, उसके अलावा पूरा एरिया रिमूव हो जाएगा अगर हम इसको कर दे कीप चेंज। ठीक है, तो फोटोशॉप की तरह इसको किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें पिक्चर सिंक, और बहुत सारे टूल्स है इसमें, जैसे कि पिक्चर्स का जो बॉर्डर वगैरह है आप अपने हिसाब से दे सकते हो, पिक्चर का यहाँ से और भी बॉर्डर का जो लाइनिंग वगैरह है वो आप दे सकते हैं इस तरह से। उसके बाद पिक्चर के लेआउट को चेंज किया जा सकता है, इस लेआउट में लाया जा सकता है, इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है तो कोई अल्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद कई सारे पिक्चर को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्रेस करके इसको मूव कीजिए तो कॉपी हो जाएगा। फिर इसको आपस में एक दूसरे से इसके एक के ऊपर एक रख दिया तो यहाँ पे विंग फ्रंट पेन टू बैक कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन हमारे पास आती है, जैसे कि मुझे एक पिक्चर को डिलीट नहीं करना बट विजुअल नहीं करना है, तो यहाँ से इसको हाइड किया जा सकता है, यहाँ से अनहाइड किया जा सकता है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे आपके अलाइन है, आप जैसे सीधा उल्टा सीधा रखा हुआ है, रखा हुआ है इसको तो अलाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप अलाइन लेफ्ट कर दिया, अलाइन टॉप कर दीजिए तो ऊपर चला जाएगा। दोनों के बीच में स्पेस कम है तो चेंज स्पेस करना है, ड्रूप करना है, कॉर्स करना है, पिक्चर को काटना है, उसकी हाइट चेंज करना, ये चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जनरली आप इसको खुद से भी किया जा सकता है, कभी कभी इसको हमें डैशबोर्ड की जरूरत पड़ती है तो हम आगे क्लास में इससे डिस्कस करेंगे आपके साथ। पिक्चर के बाद हम बात करते हैं स्टेप। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े स्टेप हैं, उसको आप डिजाइन कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने इसको ले लिया। अब इसकी भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है कि ये स्टेप किस तरह से दिखना चाहिए, इसीलिए यहाँ से डिसाइड कर सकते हो इससे कौन सा कलर होना चाहिए, इससे टेक्स्ट कैसा टाइप होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, और बाकी जो हमने पिक्चर पे किया था तो सारी चीज यहाँ भी आती है। लेकिन इसमें अगर थोड़ी बहुत चेंज करना हो, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसके पार्ट को थोड़ा सा आगे कर देखना चाहता हूँ तो एडिट टैब आएगा, एडिट यहाँ पे एडिट पॉइंट पे क्लिक कीजिए। अब अपने हिसाब से इस पॉइंट को थोड़ा सा तीखा करिए, ठीक है, इस तरह तो किसी टैब को चेंज किया जा सकता। तो अपने हिसाब से जो मर्जी टैप आप डिजाइन करो और उसकी फॉर्मेट। उसके बाद बात आपकी आइकन, ये ऑनलाइन चलता है, इससे इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और ये हमारे लेटेस्ट वर्जन में आपको दिखेगा आइकन 16 और 19 के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे आइकन हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, तो सिलेक्ट करके इंस्टॉल करेंगे, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आइकन के बाद इसमें हम बात करते हैं स्पेशल में 3D मॉडल। जैसे आइकन का असर 2D में है बट 3D मॉडल कुछ लाना है, 3D इमेजेस वगैरह लाना है तो यहाँ पे आप लेके आ सकते। अब 3D मॉडल का यहाँ पे ये है, क्या बोलते हैं, कैटेगरी। जैसे मान लीजिए आप एनाटॉमी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ हम लीवर है, बोन है, दांत है, ब्लड सेल है, इसी को लेते हैं। अब तो आप इसको बड़ा कर लीजिए, देखा सर, अगर और ज्यादा इफेक्ट करना देते हैं चाहते हैं तो आप यहीं से भी ऑब्जेक्ट सचिन, मैं एक काम करता हूं,
इजीली तो इससे सकते हैं। जो अच्छा सा देखने के लिए हमें बैकग्राउंड इसको इसे पूरे इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको ब्लैक कर दें क्योंकि अंतरिक्ष ब्लैक होता है ना सर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सर आज इसको ये कर्सर को ऊपर नीचे ले जा रहे हैं सर, उसी साथ में हो रहा है। हाँ कर्सर को क्लिक करते हुए इस तरीके का ड्रैग कर रहे हैं। दिख रहा है सर 3D मॉडल है। और भी 3D मॉडल आप डाउनलोड किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ से एक और है 3D मॉडल मन लगता है बहुत इसमें, जैसे कि ये लोग यूज करते हैं, जैसे कि जो खासकर जो आर्किटेक्ट होते हैं ना वो इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनकी जो आर्किटेक्ट का जो ये है उनके जो प्लान्स बनते हैं दिखाना, हाँ उनके जो ये होते हैं मॉडल्स होते हैं ना बिल्डिंग्स वगैरह की, उस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको देख लीजिए हमने ले लिया, तो वो लोग अलग अलग एंगल्स रखते हैं, तो लोगों का जो है इनको जो पिक्चर्स में कन्वर्ट करना होता था अब यहाँ पे इजिली आ जाता है। ठीक है सर, पूरा अंदर बाहर ऊपर नीचे पीछे आगे सब दिख रहा है ना। ये स्पेस ज्यादा यूज करता है क्या, इसका साइज बड़ा होता है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है तो ये स्टेशन में होता है। उसके बाद स्मार्ट बोर्ड होता है, स्मार्ट आर्ट होता है, यहाँ से अपने हिसाब से जिस तरह के आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं आप, यहाँ से इंसर्ट करने के बाद इसके ऊपर अपने हिसाब से जो टेक्स्ट डालना है जो फॉर्मेट है सारे फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज किया जा सकता है। स्टेशन कम्प्लीट हो गया सर, स्क्रीन शॉट होता है, स्क्रीन शॉट लेने का यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं ऐड इन की। ऐड इन जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऐप आपको चाहिए जो कि एक्सेल में नहीं है, तो यहाँ पे आप जो है गेट ऐड इन से क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऑफिस स्टोर खोल देगा, जहाँ से बहुत सारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे CRM रिलेटेड, डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड, डॉक्यूमेंट रिव्यूअर, ठीक है आपको ये सारे चीजें इंस्टॉल हो जाएंगे। हाँ इसमें आ जाएगा सिस्टम में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे दिखे आपको मैंगो सेल्स डैशबोर्ड, इस तरह की डैशबोर्ड बनाने का काम सर, जैसे YouTube वाला अगर YouTube से अगर वीडियो डाउनलोड करना हो तो YouTube प्लेयर है सर, डाउनलोडर नहीं है, YouTube प्लेयर है, जैसे कि इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए मैंने ये किया था इस्तेमाल किया था, क्या बोलते हैं यूजर फॉर्म पे करता था मैं जब ऑफिस के आवर में था ना, तो हम लोग क्या करते थे ना कि इससे ही वीडियो प्ले कर देते थे, जब कोई आता था सीट चेंज कर देते थे, बहुत सारा देखता था कुछ खुला तो नहीं है, तुमको क्या बता देख तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपना URL डालिए और इसको भेजिए, ये चीजें डाउनलोड करने का। ठीक है, तो यहाँ पे
माय ऐप में जो आप ऐप डाउनलोड कर रखे जैसे मिनी कैलेंडर दिख रहा आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कैलेंडर दिख रहा आप यहाँ से कैलेंडर फिगर ले सकते हैं जहां पे कर्सर होगा वहां पे देख आएंगे समझ गए। सर ये किसी दिन सिखाइएगा सर डेट मंथ एंड डे वाला ये बड़ा गड़बड़ अभी इसमें भी देखो मंथ पहले आ रहा है जी हाँ वो मैं बताऊंगा ठीक है तो ये एडिंग टूल के लिए होगा। उसमें टास्क की बात करें तो टास्क फिलहाल अभी आपको हम नहीं सिखाएंगे प्लाट इसलिए नहीं सिखाएंगे क्योंकि हम डायनेमिक टास्क कराएंगे तो टास्क को सिखाएंगे बाकी कमेंट टेक्स्ट बॉक्स टेम्बल ये सब ये उतनी सिखाने लायक नहीं है ना सर ये तो आप खुद भी देख के सीख सकते हो। ड्रॉइंग टैब आपके सिस्टम पे नहीं होगा मेरे सिस्टम पे है क्योंकि ये अभी डाउनलोड किया गया क्या है सर मतलब कोई भी ड्रॉ बना सकते हैं माउस से कर रहे हैं कि आप स्टाइलर से भी हो सकता है क्या बोल रहे माउस से कर रहे हैं ये चीज की स्टाइलर एक आता है ना पेन टाइप का माउस से इतनी खासियत होती है जैसे हमने कहीं और एक जगह कहीं जो और ड्रैग किया मुझे चाहिए रिप्ले कर दूंगा आपको यहाँ पाएगा तो यहाँ पे आ गए एड कर लूंगी यहाँ से ऐसे सिग्नेचर वर्क नहीं होता समझे पेज लेआउट में सिंपल पेज की सेटिंग होती है लेकिन पेज की सेटिंग आपको हम कल कराएंगे अभी आप लोग क्या करें इंसर्ट में इलस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से दें और इलस्ट्रेशन की मदद से मुझे एक लोगो बना के दिखाएं आप देख रहे हैं मेरा लोगो दिख रहा है लोगो मैंने बनाया हुआ है पूरा जो बैकग्राउंड का पेजेस आपको दिख रहा हो सब मैंने बनाया हुआ है वो भी एक्सेल के यही नहीं आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स आपको दिखेंगे ये सारे पिक्चर्स हमने बनाए हुए हैं एक्सेल के ऊपर वीडियो है दिख रहा है सर ये सारे पिक्चर्स तो आपको दिख रहा है ना सर ये पिक्चर सारे हमने बनाए हुए हैं देखिए दिख रहा है आपको तो आप मुझे लोगो बना के दिखाइए आप बोलेंगे सर इसका हमारा यूज करेंगे लेकिन हाँ आगे तक मैं आपको यूज बताऊंगा तो लोगो कहाँ से बनाएंगे आप लोगो सर्च करें इमेज पे जाए यहाँ पे बहुत सारे हैं जिसका लोगो आप बना सकते हैं बहुत सारे जैसे एप्पल की बात करें कि एप्पल का लोगो कैसे बने क्या तो चलिए एक सिंपल सा आपको डेमो दिखाता हूँ इंसर्ट आप इसमें सर्कल ले लिया सर उसके बाद दो सर्कल को एडिट शेप में इसमें दो सर्कल यहाँ से दो सर्कल को यहाँ पे काट दिया ठीक है और उसके बाद इसकी जो लाइनिंग है नो लाइन कर दीजिए इसकी लाइन भी नो लाइन कर दीजिए हो गया उसके बाद एक और सर्कल लीजिए थोड़ा सा रोटेट कीजिए और फिर इसकी बैकग्राउंड कलर कर दीजिए व्हाइट और इसकी टैग फिल कर दीजिए नो
आ गया सर, इसको और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। तो आप एक लोगो बना के मुझे बताइए। ओके ओके सर, जैसे ए भी है, ए भी बनाया जा सकता है, इसको भी बनाया जा सकता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है बट बनाया जा सकता है। मैकडॉनल्ड ए भी बनाया जा सकता है, तो सिंपल है, ठीक है। चलिए मुझे बनाइए गूगल का लोगो भी, ये सिंपल है, बनाया जा सकता है। चलिए बना के मुझे देखिए। फिर कलर बात करते हैं, पे सेटिंग के ऊपर, उसके बाद हम फॉर्मूला स्टार्ट करें। ओके ओके बाय।